गाइज, क्या आप भी अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? क्या आप भी पैसा कमाना चाहते हैं, अपने ऊपर किसी का प्रेशर झेलना नहीं चाहते हैं, जॉब वगैरह से आप रुक चुके हैं, या फिर आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपना खुद का बिजनेस? तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों। आज मैं बहुत ही बढ़िया बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ और ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि कभी नहीं डूबेगा, मतलब कभी बंद नहीं होगा। जब तक इस पृथ्वी पे इंसानों का वास रहेगा तब तक आपका बिजनेस चलेगा। मतलब समझ लीजिए, अगर आपने एक बार दुकान खोल लिया तो उससे आप का पीढ़ी भी हो सके तो उसी दुकान से चलता रहेगा। तो मतलब समझ लीजिए कि कभी डूबेगा ही नहीं। तो दोस्तों, आपने जैसा कि थंबनेल देखा कि किराने का दुकान कैसे खोले, आज मैं फुल डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल केसरी और केसरी का जो टाइटल है वो बनिया है, मतलब मैं बनिया हूँ। और बहुत छोटे समय से मैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ, क्योंकि मेरे जो फादर हैं वे भी इसी बिजनेस को करते हैं, मेरे चाचा भी करते हैं, मतलब एक छोटा समय से इस बिजनेस लाइन में जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे एक एक चीज़ का प्रॉपर आइडिया है और आज मैं आपको ऐसा जानकारी दूंगा जिससे कि आप पूरा एकदम परिपक्व हो जाओगे, किसी से आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहेगा। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पूंजी कितना लगाना है, दुकान को कैसे सजाना है, कैसे आपको सामान को प्रोटेक्ट करना है, रूम कैसे, कितना बड़ा रूम लेना होगा, कमाई कितना होगा, माल कहाँ से लेना होगा, दुकान कहाँ पे खोलना होगा, कहीं मेरा बिजनेस डूबेगा तो नहीं, जो आपके मन में डाउट होगा वो डाउट मैं पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा। कुछ भी पॉइंट छूटने वाला नहीं है इस वीडियो में, तो एंड तक जरूर वीडियो को देखिएगा। चलिए दोस्तों, आपको मैं एक एक करके सारा जो आपका जो डाउट है वो क्लियर करते जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे आपको किराने का दुकान खोलना है। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले तो अगर मैं पूंजी की बात करूं तो आपको आपके पास अगर 1 लाख रुपया भी है ना, तो आप 1 लाख से भी इसे शुरू कर सकते हैं छोटे पैमाने पर। और अगर आपके पास जितना भी पैसा हो उतना काम है इस बिजनेस में, आप जितना पैसा लगा सको उतना आप लगा सकते हैं, बहुत बड़े लेवल पे भी आप इसे शुरू कर सकते हैं। और शुरुआत आप एकदम छोटे लेवल से भी कर सकते हैं, मतलब 1 लाख रुपया भी अगर आपके पास है तो भी आप शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम मैं 2 लाख रुपये लेके चल रहा हूँ। अगर आप 2 लाख रुपये लगाते हो ना तो एकदम आराम से आपका जो मेल है वो निकल के आ जाएगा, आपका दुकान भी सज जाएगा और 2 लाख रुपया में आप एक अच्छा खासा स्टार्टअप कर दोगे। ठीक है, तो अब ये 2 लाख मैं बहुत ही सोच समझ के लिया हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर बात आती है कि काउंटर और रेक, जो आपका काउंटर है वो कुछ इस प्रकार का आपको बनवाना होगा जहाँ पे शीशा लगा हुआ होगा, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है जैसे साबुन वगैरह या फिर कोई भी टूथब्रश वगैरह है या फिर आपका जो भी प्रोडक्ट है वो आपका दिखना चाहिए, कस्टमर को दूर से ही शो होना चाहिए, और आपका रैक रहना चाहिए। तो रैक में आपका सारा सामान अलग अलग प्रोडक्ट, जैसे तेल का प्रोडक्ट अलग रख दिया, मसाला का प्रोडक्ट अलग रख दिया, इसके बाद फिर आपका अलग अलग जो प्रोडक्ट है, मतलब जो किराने का दुकान है इसमें बहुत तरह का वेराइटी है, अलग अलग वेराइटी, अलग अलग खाने का सामान, कहा जाए तो हर एक छोटा से छोटा प्रोडक्ट आपको अवेलेबल रखना होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक अच्छा खासा रैक बनवाना चाहिए ताकि आपको सामान ढूंढने में दिक्कत ना आए। अगर कोई कस्टमर आपसे पूछे कि भाई ये सामान आपके पास अवेलेबल है तो तुरंत आप उसे सामान दे सको। ठीक है, तो रैक अच्छा खासा आपको बनवाना है, लकड़ी का ही बनवाना है, प्लाई वाला ही बनवाना है। मतलब मोटा मोटी लेके चलिए तो 30,000 रुपया आपका रैक में लगेगा, काउंटर में आपका 10,000 लगेगा। एक तराजू आपको लेना होगा, तराजू आपको इलेक्ट्रॉनिक वाला लेना होगा जिसपे अच्छा खासा मतलब 60 किलो तक उसका कैपेसिटी हो, उस टाइप का आपको लेना होगा। 6-7 हज़ार तक में हाइड्रोलिक वो मिल जाएगा। मतलब मोटा मोटी लेके चले तो 30,000 का रैक, 10,000 काउंटर और 7,000 का आपका तराजू, और मतलब मोटा मोटी लेके चलूँ तो 50,000 में आपका दुकान जो है वो सज धज के रेडी। ठीक है, अब इसके बाद गाइज मसाला वगैरह रखने के लिए, जैसे दाल वगैरह रखने के लिए आप कोई डब्बा वब्बा का भी प्रयोग कर सकते हैं, प्लस टिन वगैरह का भी को भी आप काट के ऊपर से और प्रयोग में ला सकते हैं। मतलब आप जितना जुगाड़ लगाइएगा उतना आपका पैसा बचने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद बात आती है कि 50,000 रुपया तो मेरा काउंटर रैक वगैरह में ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बनाना है, मेल आपको बनाना है, जैसे मसाला का आपको लिस्ट बना के रखना है। फिर आपको आप एक बार किराने के दुकान में, मैं बोलूँगा गैज मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उस फील्ड में आप 2 से 3 महीने अपने आप को दे दीजिए, समर्पित कर दीजिए 2 से 3 महीना। आप किसी भी तरीके से नॉलेज जुटाना है आपको, ठीक है, आप या तो नौकर बन के रहो किसी की दुकान में या फिर किसी तरीके से भी भाई, लेकिन आप नॉलेज जुटाइए 2-3 महीना। यही नॉलेज आपको आगे जाकर बहुत ही बेनिफिट देगा, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। ये मत समझिए कि मैं नौकरी कर रहा हूँ दूसरे के यहाँ जाके, आपको 2-3 महीने एकदम नॉलेज जुटाना है, किसी भी तरीके से आपको जुटाना है, लेकिन जुटाना है भाई। तो आपको एक प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि किस किस टाइप का सामान रहता है, किसका डिमांड ज़्यादा रहता है। जैसे मसाला में बहुत सारा मसाला है, गरम मसाला है, हल्दी है, धनिया पाउडर है, मिर्च पाउडर है, गरम मसाला का पिसा हुआ खड़ा हुआ, आपका जीरा है, गोलकी है, काली मिर्च जिसे बोला जाता है।
तो बहुत सारा आइटम है, मैं कितना का नाम बताऊँ, अगर नाम बताने लग जाऊँ तो 1 घंटा का तो 1-2 घंटा का वीडियो बन जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट ख़त्म होने वाला नहीं है। तो आपका मसाला का आइटम हो गया, दाल वगैरह का आइटम हो गया, चीनी वगैरह हो गया, दाल हो गया, अलग अलग प्रकार का दाल होता है, राहर दाल, अरहर दाल, बहुत प्रकार का दाल, बिस्किट का आइटम हो गया, बच्चा वाला आइटम हो गया, कुरकुरे चिप्स वगैरह हो गया। इस पर एक चीज़ आप और इंक्लूड कर लेना, वो है आपका फ्रीज, ठीक है, क्योंकि फ्रीज अगर आप रखते हो, 10,000 रुपये फ्रीज में भी लगा दो, मतलब 60,000 रुपये आपका लग जा रहा है। तो 10,000 रुपये आप फ्रीज में लगाओ और ठंडा वाला प्रोडक्ट रखो, जितना भी पेप्सी वगैरह है, तो गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है इसका, बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और बाकी बात जो आपके पास 1,40,000 रुपये बच रहा है, उस 1,40,000 से आप सामान का लिस्ट तैयार कीजिए, ठीक है, और उसके बाद माल उठाइए। आगे जाके मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ से आपको माल वगैरह लेना है, ठीक है। तो इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है कि अपने सामान को कैसे बचाएं, क्योंकि गैस किराने का दुकान ऐसा दुकान है जहाँ पे सामान बहुत ही ज़्यादा बर्बाद होता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैं बता रहा हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा बर्बाद होता है। लेकिन आपको, आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान देते हो ना, तो आपका सामान बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि आपको दो चीज़ों से ही बचाना है अपने प्रोडक्ट को, पहला चूहा और दूसरा नमी। आपको मतलब ऐसा जगह पे नहीं अपने सामान को रखना है जहाँ पे पानी वगैरह या नमी वगैरह रहता है, नहीं तो आपका सामान जो है वो ख़राब हो सकता है, क्योंकि खाद्य पदार्थ है भाई, वो घुन उन लग जाएगा, बहुत तरह का नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो आपको चूहा से बचाना है, और दूसरा आपको सूखा हुआ जगह पे ही सामान को रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि रूम कैसा आपको लेना चाहिए, मतलब कितना बड़ा रूम लेना चाहिए। मैं बोलूँगा गाइस, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो 20x20 का रूम लीजिए, तो 100 में भी आएगा, और 20x20 का ही रूम लीजिएगा, वो बेस्ट है, ठीक। उससे बड़ा आपको अगर मिल जा रहा है तो वो और बढ़िया आपके लिए हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत सारा है भाई, कहाँ रखोगे छोटा रूम लोगे तो। और गोडाउन आपको एक ले लेना है, अगर मिल रहा है तो ठीक है, और नहीं तो फिर आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद गाइस कमाई की मैं बात करूँ तो कमाई बहुत ही बढ़िया है भाई। देखो, अगर मान लीजिए आपका एक दिन में शुरुआत में 7-8 भी कस्टमर आ जा रहे हैं ना, तो आराम से आप 1,000-1,500 रुपया आँख मूंद के कमाओगे 6-7 कस्टमर से ही। कैसे? एक कस्टमर आएगा, वो अलग अलग तरीके का 1 महीने का राशन उठाएगा, या फिर जो भी राशन उठाएगा, तो लगभग लगभग अगर एक कस्टमर अगर 1,000 रुपया का सामान ले रहा है, जो कि नॉर्मल है, वो बिक ही जाता है। एक कस्टमर आएगा तो 2-3 आइटम लिखा है, तो ऐसे 1,000 रुपया पहुँच जाएगा। तो अगर एक कस्टमर आपसे 1,000 रुपया का सामान लेता है, तो आपका कमाई होगा लगभग लगभग 150 से 200 रुपये के बीच में, खुदरा में, मतलब 15 से 20% आपका कमाई है खुदरा में। अगर आप होलसेल करते हैं, बड़े लेवल पे इसे करते हैं, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके आप दुकान खोल रहे हैं, और डायरेक्ट आप बोराबंदी सामान बेच रहे हैं, चीनी बोराबंदी बेच रहे हैं, तेल टीने टीना बेच रहे हैं, होलसेल कर रहे हो, तो आपका जो इनकम है वो लगभग 5 से 10% के बीच में होगा, मतलब 5% से 10% के बीच में, समझ रहे हैं ना। तो इनकम थोड़ा कम है होलसेल में, लेकिन रिटेल में अगर आप सेल कर रहे हो, खुदरा व्यापारी अगर आप हो, तो आपका इनकम जो है वो 15 से 20% है, मतलब काफ़ी बढ़िया है। अगर आप 10,000 का भी माल एक दिन में निकाल दे रहे हैं, तो आप कैसे 1,500 से 2,000 रुपये बच रहा है, ठीक है। और होलसेलर अगर आप बन रहे हो, तो 1,50,000-1,50,000 रुपये का माल बेचने में आपको देरी नहीं लगेगा भाई, क्योंकि एक एक बोरा जो आता है 2,000, 3,000, 4,000, एक एक तेल का दाम है, 10 किलो का अगर तेल ले रहा है तो उसका दाम है 2,400-2,500 रुपया, मतलब 1-1.5 लाख रुपया बेचना आम बात है होलसेलर को। और समझ लीजिए अगर 5 से 10% के बीच में इनकम है, तो कितना इनकम हो जाएगा पर डे का, तो काफ़ी बढ़िया इनकम है, समझ रहे ना। और अगर आप दुकान खोल रहे हो तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, मैं तो अभी बता दिया जो था वो, हर आइटम में आपको जो ब्रांडेड वाला आइटम है उस पर भी आपका मार्जिन है, हर आइटम में आपका अच्छा खासा मार्जिन है, कम ही कमाई है, लेकिन काफ़ी बढ़िया कमाई है भाई, लोग जीरो से हीरो बन जाते हैं। खुद मेरे चचा जो हैं वो काफ़ी आगे बढ़ गए इस फील्ड में, बहुत कम पैसे से शुरुआत किए थे, बहुत ही कम पैसे से, मतलब बहुत ही गरीबी स्थिति था मेरे फादरों का, मेरे चाचा जो थे उनका भी, बहुत ही कम पैसे से उन्होंने शुरुआत करा, और आज जाके बहुत ही आगे बढ़ गए हैं, बड़ा बड़ा उनका दुकान हो गया है, और बहुत सारा ज़मीन वगैरह घर वगैरह ले लिए। तो भाई मैं मोटिवेट आपको कर रहा हूँ कि आप अगर शुरू करना चाहते हो ना, तो आप 1 लाख से भी शुरू कर सकते हैं, 2 लाख से भी शुरू कर सकते हैं, तो आपको शुरुआत करना है, ठीक है। आप छोटे लेवल से भी आप इसे शुरुआत कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए आप घर में खोल दीजिए, जहाँ पे आपका घर हो, जहाँ पे आदमी आते जाते हो, ठीक है, तो आप एक रूम निकाल दो दुकान वाला, वहाँ पे सामान वगैरह सजा के आप 1 लाख से भी शुरू कर सकते हो, घर में जो आपका फैमिली है वो भी आपका दुकान चला देगा तो एक समझ सकते हो, साइड इनकम के तौर पर भी आप इसे देख सकते हो, साइड बिजनेस के तौर पर भी आप इसे शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है, नेक्स्ट पॉइंट है कि माल कहाँ से लें। तो मैं बोलूँगा गाइस, आप
आप अपने आसपास के एरिया में जहाँ पे आप रहते हो उस आसपास में आप देखिए कि उस आसपास का जो दुकान है वो कहाँ से माल उठा रहा है। जैसे कि सपोज दैट मैं रहता हूँ रांची में, तो रांची में 15 मार्केट एक होलसेल मार्केट है, और फिर आपका अपर बाज़ार एक होलसेल मार्केट है, मतलब 15 में आपको A to Z प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो आपका एरिया जहाँ पे भी है वहाँ पे आप होलसेल मार्केट का पता लगाइए, आप दुकानदार से ही पता लगाइए, थोड़ा भाईचारा बढ़ाइए कि भाई आप कहाँ से माल लाते हो, थोड़ा जानकारी जुटाने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बना दिया तो आप कल जाकर दुकान खोल लो, ऐसा नहीं होता है भाई। आपको जानकारी पहले जुटाना होगा, 2-3 महीना आपको देना होगा इस फील्ड में, उसके बाद आप दुकान खोले, या कोई भी बिजनेस कर रहे हो ना 2-3 महीना आप समय दीजिए, उसके बाद ही आप उस लाइन में घुसिए, तभी आप सक्सेसफुल होगा, और नहीं तो आप डूबने का संभावना बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो 2-3 महीना आपको टाइम देना है किसी भी बिजनेस में। दुकान कहाँ पे खोलें, नेक्स्ट बात आती है कि लोकेशन कहाँ पे होना चाहिए दुकान का। भाई मैं बोलूँगा अगर आपको चौक चौराहे पे दुकान मिल जा रहा है जहाँ पे भीड़ भाड़ होता है, या फिर जहाँ पे अच्छा खासा बस्ती है, जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, या फिर जहाँ पे भी अच्छा खासा मतलब भीड़ भाड़ है वहाँ पे अगर आप लेते हो दुकान, तो आपका दुकान तो फिर वो सोना उगलने वाला मुर्गी, मतलब सोने का अंडा देने वाला मुर्गी के बराबर हो जाएगा। और अगर आप ऐसे थोड़ा घुस के लेते हो दुकान जहाँ पे कम आदमी आते जाते हैं, तो भी आपका दुकान चलेगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं चलेगा, आपका दुकान चलेगा। लेकिन आपको अगर चौक चौराहे पे दुकान मिलता है तो वो काफ़ी बेस्ट हो जाएगा। इसके बाद पॉइंट आता है कि बिजनेस कहीं डूबेगा तो नहीं। हर किसी के मन में डाउट रहता है कि भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरा कहीं बिजनेस डूब तो नहीं जाएगा। पैसा लगाने से पहले आप भी ज़रूर सोचते होंगे कि मैं सही जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ या नहीं। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बिजनेस है ना, ये डूबने वाला तो नहीं है भाई, कभी नहीं डूबेगा, कभी बंद नहीं होगा। आप में कितना सक्षम है उस हिसाब से ये बिजनेस चलेगा। मतलब अगर आप सक्षम हो करने के लिए, अगर आप इच्छुक हो, अगर आपका व्यवहार अच्छा है, अगर आप कस्टमर से अच्छा व्यवहार बना के चलते हैं, अगर आपको बात करने का तरीका पता है, अगर आप अपने दुकान में हर एक प्रोडक्ट अवेलेबल रखते हैं, कस्टमर को रिटर्न नहीं जाने देते हैं, और आपका दुकान अच्छे जगह पे है जहाँ पे लोग आते जाते हों, तो 100% है गाइस कि आपका दुकान चलेगा। और भी तो दुकानें हैं, वो भी तो चल रही है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिए। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि किराने का दुकान एक ऐसा दुकान है जहाँ पे आप प्रोडक्ट शुरू में आपका मतलब सामान छूट ही जाएगा। आप कितना भी लिख लो, कितना भी आप दिमाग लगा लो, लेकिन आपका जो सामान है वो लगभग 70-80% ही आएगा, 20% वो छूट ही जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक कॉपी में लिख के रखना है, जो जिस प्रकार का कस्टमर आए, जैसा प्रोडक्ट का डिमांड करे, अगर आपके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो आप लिख के रखिए। उसके बाद उसे बोलिए कि भाई नेक्स्ट टाइम में ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, अगले बार आप मेरे दुकान पर आइए, आपको मैं ये प्रोडक्ट दे दूंगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपके दुकान में सामान भी भर जाएगा और कस्टमर भी दोबारा लौट के नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात था। अब लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप एक लेबर रख सकते हैं, लेबर हायर कर सकते हैं, तो आप रखिए। शुरुआत में आप अकेले भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है या फिर आपका दुकान ज़्यादा चलने लग गया, ज़्यादा भीड़ भाड़ होने लगा, तो आप एक लेबर भी हायर कर सकते हो। और आप अपने दुकान में CCTV कैमरा वगैरह लगा दीजिए, तो वो आपके दुकान को ज़्यादा सेफ कर देगा। और ये अगर आपका दुकान बहुत ही ज़्यादा चलने लगा है, मतलब अच्छा खासा इनकम देने लगा है, तो आप एक गाड़ी भी ले सकते हो, लोन में भी ले सकते हैं, या फिर आप कैश पेमेंट करके भी ले सकते हैं, जैसा आपका मर्जी उस हिसाब से आप ले सकते हो गाड़ी। व्हीकल से बहुत ही फ़ायदा है, आपको किसी पे आश्रित नहीं होना पड़ेगा। और जो ये किराने का दुकान है, ये मतलब ऐसा प्रोडक्ट रहेगा जिस पे आपको हर एक समय गाड़ी की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अगर आप दूसरे पर आश्रित हैं या भाड़ा का गाड़ी हायर कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाइएगा। इसलिए मैं बोलूँगा अगर आपका दुकान अच्छा खासा चलने लग गया है, शुरू में आपको गाड़ी नहीं लेना है, ज़्यादा पैसा आपको नहीं लगाना है शुरू में। ठीक है, आपको आप धीरे धीरे देखिए, कुछ दिन काम कीजिए, उसके बाद अगर आपको आपका अगर दुकान है जो वो अच्छा खासा चलने लगता है, तो आप एक गाड़ी भी ले सकते हैं। और अगर आपका दुकान कभी नहीं डूबेगा, क्योंकि भाई देखो, अगर आपका जो सामान है खाद्य पदार्थ वो भी आपका बिक जाएगा, अगर बाई चांस 10% आपका दुकान डूब भी गया, ठीक है, 5-10% ये संभावना भी रहता है बिजनेस में कि आपका दुकान अगर डूब गया तो क्या करें। तो ऐसे कंडीशन पे गाइस आपका प्रोडक्ट निकल जाएगा, आपका रेक वगैरह भी निकल जाएगा, काउंटर वगैरह भी आप सेल कर दोगे, OLX एप्लीकेशन से भी आप सेल कर सकते हैं अपने काउंटर वगैरह को, और आपका खाद्य पदार्थ तो वो पानी में नहीं जाएगा, वो निकल ही जाएगा। ठीक है, तो घबराइए नहीं और नेगेटिव थॉट मत रखिए दिमाग में गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।